विदिशा जिले के प्रॉपर्टी ब्रोकर हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। एक तरफ इस मामले में पटवारी पुष्पेंद्र तिवारी को आरोपी बनाने का दबाव बनाया जा रहा था, जो इसके विरोध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ खुलकर सामने आ गया है। पटवारी संघ ने शुक्रवार को एक ज्ञापन सौंप कर कहा है कि कालीपठार निवासी मोहन सिंह लोधी आत्महत्या मामले में कुछ व्यक्तियों द्वारा पटवारी पुष्पेंद्र तिवारी को फंसाया जाकर धरना प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन पर अनैतिक रूप से उक्त प्रकरण में आरोपी बनाने का दबाव बना रहे हैं। जिस प्रकरण में लोधी समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के माध्यम से पुष्पेंद्र तिवारी पटवारी को आरोपी बनाए जाने का दबाव बना रहे हैं, उक्त प्रकरण न्यायालयीन कार्यवाही का हिस्सा है। कोई भी आवेदक जब तहसील न्यायालय में बंटवारे के लिए आवेदन करता है तब उसमें बंटवारा प्रक्रिया के अंतर्गत जो कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार पटवारी को तहसीलदार के आदेश अनुसार बंटवारा फर्द बटान उक्त बंटवारे में प्रस्तुत करना होती है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ओर से एवं राज्य कर्मचारी संघ की ओर से मृतक के परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त की जाती है। जो कार्य हुआ गलत हुआ है और जो वर्तमान में कुछ व्यक्तियों द्वारा मृतक के में के लिए जो एक आरोपी हमारे पटवारी साथी के लिए बनाने का प्रयास किया जा रहा है ये गलत है। उसके विरोध में आज हमने धरना प्रदर्शन का ज्ञापन दिया है। अगर प्रकरण दर्ज होता है तो पटवारी संघ क्या करेगा? अगर प्रकरण दर्ज होता है तो पटवारी संघ आंदोलन की बात होगा, क्योंकि ये टोटली गलत है। न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत हमारे पटवारी ने अपने कार्य को अंजाम दिया था। अगर इसके विरोध में अगर कोई कार्य प्रकरण दर्ज होता है पटवारी के खिलाफ तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। पुष्पेंद्र तिवारी नहीं, ये क्या है, किसी को भी कोई भी तकलीफ होती है, हमारा पटवारी का कार्य बिल्कुल न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है, उसमें तहसीलदार के आदेशों का पालन किया जाता है। फिर भी कोई भी व्यक्ति अगर आदेशों से दुखी होता है तो वरिष्ठ न्यायालय में अपील कर सकता है। सारी प्रक्रियाएं खुली हुई हैं और खुले न्यायालय में आदेश पारित किया जाता है। इसमें पटवारी हमारा कहीं भी दोषी नहीं है। जांच हो चुकी है क्या? जांच जारी है। दोषी होंगे तो ही कार्रवाई होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।